आपके साथ मैं कुछ ऐसी रेमेडी शेयर करती हूँ जो हम पहले यूज़ करते थे बट अब फ़िलहाल के टाइम में हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। उन्हीं में से कुछ एक ऐसी रेमेडी आज शेयर कर रही हूँ जो मैं पहले से काफ़ी यूज़ करती थी और वो वर्क तो 100% करती है। आप सब भी एग्री करोगे तो ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलना। साथ ही चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे नए चैनल जहाँ पर आपको मिलते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट के रिव्यू, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ले रही हूँ हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो कि है रेड लेंटिल्स यानी कि लाल मसूर की दाल। मैंने ली है 50 ग्राम और इसको लेकर आपको मिक्सी में इसका पाउडर बना लेना है। आप इस पाउडर को स्टोर करके भी रख सकते हो। फिलहाल मैं इसमें से लूँगी सिर्फ और सिर्फ 2 टीस्पून। लाल मसूर की दाल ना कि सिर्फ प्रोटीन से भरी होती है बल्कि ये आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए काफ़ी कारगर है और आपकी स्किन से सन टैन रिमूव करने में और आपके अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव करने में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ डेड स्किन निकालती है जिससे कलर और भी फेयर लगता है। ये इकलौता इंग्रेडिएंट मुझे दालों में लगता है जो कि आपकी स्किन के लिए एक्चुअली वर्क करता है। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जैसे कि मैंने आपको बताया, लूँगी मैं रोज़ वाटर। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा है क्योंकि मुझे लगता है ये दो इंग्रेडिएंट ही काफी हैं आपकी स्किन को क्लियर और फेयर बनाने के लिए। लेकिन इसका यूज़ आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको मैंने लाइव रिजल्ट दिखाया यानी कि डिफरेंस दिखाया है, तो बिल्कुल देखना ना भूले लास्ट तक वीडियो को। और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आप कितना इस चीज़ से सहमत करते हैं कि रेड लेंटिल्स यानी कि मसूर की दाल जो है वो आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए कारगर है। चलिए बताती हूँ आपको इसको लगाने का तरीका। जब आप इसको अपने फेस पर लगाएंगे तो 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर रिमूव करते वक्त हल्के हाथ से रब करना है क्योंकि ये एक एज अ स्क्रब भी काम करेगा। फेस पर फेशियल हेयर को भी रिमूव करता है क्योंकि जब आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में रब करते हैं तो ये आपके जो रूट्स होते हैं हेयर के, फेशियल हेयर के, उनको कमज़ोर करता है। इससे उनके रूट और उनके ग्रोथ पर भी फ़र्क लगता है। आप देख सकते हैं डिफरेंस, इसीलिए मैंने कोई कट नहीं किया है, कुछ नहीं निकाला है ताकि आप लोग डिफरेंस देख पाएँ। काफ़ी फ़र्क करता है ये एक ही बार लगाने से। आई होप गर्ल्स कि आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे। इसको वीकली 2 से 3 बार भी आप इजीली लगा सकते हो और हाँ, हर स्किन टाइप इसको इजीली लगा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।